ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबाइए और भी सारा टाइम की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नोएडा के सेक्टर 8 में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी फरार, लोग सड़कों पर उतरे। अच्छा ये बात कर लेंगे फिर आप बात। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम चुना देवी है। चुना देवी क्या हुआ? माँ हूँ, आजा के माँ हूँ। क्या हुआ है? आजा हमको पता नहीं देने चलने देता था तो मेरे बीमार रहता हूँ, साथ के प्रोग्राम रहता, मुझे कुछ नहीं पता था, चलने नहीं देता था। वो सट्टा बंद करने के लिए विरोध था, सट्टा गाजा दारू जो होता वो विरोध था, उसी के विरोध में पुलिस को गया 11 में। अजय को कल आपको गोली मारी गई थी, आपको किसने बताया, कैसे पता लगा आपको? हमारे हस्बैंड के मोबाइल पर फोन आया था, इसका नंबर था, मुझे पता लिखा नहीं, मैं नहीं जानता। उसमें जो सट्टे की बात निकल के आ रही है, कौन थे वो लोग जो सट्टा खिलाते थे और कौन था इनका सरगना? बाबू चारू आदमी के रात में क्या पर मैं नाम बताया हूँ, चारू आदमी के चार। क्या नाम उनके? अभी जीतू रफीक। पुलिस प्रशासन से आपकी बात हुई तो क्या कहना? क्या प्रशासन दे रहा? पुलिस का बिना चोर है तो पुलिस क्या बताएगा? वो तेज रहा है, पुलिस तेज रहा है, पुलिस मोबाइल नहीं सका और कौन है? बैठाओ इसे भी बैठाओ, एक ही आगे, एक ही आगे, तीन ही आगे, तीन आगे। तू भी कर रहे हैं क्या? एक बार बात करो, बात है, बात करो, चल बैठ। यार ये थोड़ा अंदर दिखाना, एक बैठ इसमें। आप बैठ ड्राइवर साहब, हाँ मैं बैठ सेंटर पीस ले जाओ, चल बैठ मुझे बैठ, चलो बैठो बैठो बैठो, एक से बड़ा चल, बढ़िया एक कब मैं दोनों बैठ, दूसरा कहाँ है? जी तो करो आवाज नहीं आ रही भाई, कहाँ होने का खत्म में भाई, हाथ उठाओ यार, बोलो ना भैया काम लगभग उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और उनको आश्वासन दिया गया है कि उसमें 2 से 3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर आगे वाले को बोल दो तो ठीक रहेगा ना, आगे वाला तो खड़ी नहीं रहा। देखिए ये जो एक्शन हुआ है, ये जो घटना हुई है, इसमें जो है बाकी सारी चीज़ों को, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया, जो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कंप्लीटली हम लोग एनएसए की तरफ देखे जाएंगे।
सर लोगों ये लोग आए थे और इन्होंने इस बात की शिकायत की थी, उसके बाद में घटना को अंजाम दिया गया? नहीं, कल शाम को ये लोग आए थे, लेकिन कल शाम को जो आए थे उसका इस घटना से कोई मतलब नहीं है। दुर्गा पूजा चल रही है, उन्होंने परसों अनुमति लगाई थी और उस अनुमति साइन हो गई थी थाने से, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचे थे। उस विषय में आए थे कि दुर्गा पूजा जो उन्हें करनी है वहाँ पे वो किस तरीके से होगी, तो ये हुआ कि परंपरागत 2017 वर्ष में किस तरीके से होता है उसी तरीके। सर, जो मृतक का आरोप है, परिवार का आरोप है कि काफी दिनों से जो ये मृतक है ये शराब, इसने पहले भी तहरीर दी थी थाने में और उसके लगातार वीडियोस भी सोशल मीडिया में वायरल हुए हैं, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि पुलिस खड़ी हुई है और शराब वहां पे बिक रही है, वो उसी लोकेशन का है, उसी लड़के द्वारा बनाया गया था। इसकी शिकायत करना था, परिवार का ये भी कहना है कि अगर वो आज कोर्ट जाता और पुलिस ने उसको लगातार धमका रही थी, इसमें क्या निकलता? देखिए, इस तरह की तथ्य की कोई भी जानकारी पहले से अगर दी गई है तो वो हम लोगों के हमसे अवगत नहीं है। दूसरी चीज, कल से जो बातें हुई हैं और आज कुछ चीज़ें उन्होंने बताई है तो उसके बारे में ने भी जो है आश्वासन दिया कि अगर वो जितना उनकी जांच की जाएगी और जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच एसपी क्राइम महोदय को दी भी गई है, और इसमें जो भी अगर इसमें ऐसा कुछ है कि कोई लापरवाही किसी स्तर पर बरती गई है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी परीक्षण होगा सभी तथ्यों का परीक्षण। घटना के बाद कोई एक्शन हुआ है क्या सर? आराम से